नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे क्लास लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, आज ही क्लास हम लोग केमिस्ट्री भी देखेंगे और साथ ही साथ आपकी पूरी क्लास कीजिएगा, हिंदी भी आज ही क्लास में जो है एक ही साथ करेंगे। और जो यहाँ पे 170 क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे 170 क्वेश्चन में, ठीक है, 110 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे, 110 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे, तो आज जो है आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। जो भी बच्चे 170 क्वेश्चन में 110 सही करेंगे कमेंट करके बताइएगा, और उनके लिए स्पेशल ऑफर ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त ऑफर लेकर आए हैं आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे 170 में 110 मार्क्स ले आएंगे, ठीक है, उनके लिए जो ऑल सब्जेक्ट का असाइनमेंट 1300 में मिल रहा था, ठीक है, बिहार बोर्ड 2024 के लिए 90% दिलाने वाला असाइनमेंट जिससे बाहर एग्जाम में नहीं आ पाए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगर आप 170 में 100 बना लेते हैं, 100 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो आपको मात और मात, ठीक है, अनबिलीवेबल, ठीक है, बहुत जबरदस्त ऑफर यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि आपकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। केवल और केवल 800 रुपए में जो कि टॉपर्स बनेंगे उन्हें दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, अगर 170 में 100 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो सिर्फ आज का ऑफर है, जो लाइव क्लास से बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जो लाइव के बाद देखेंगे उनके लिए ये ऑफर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी सभी स्टूडेंट जो बच्चे इतना सही नहीं कर पाते हैं, अगर वो आज लेते हैं तो उन्हें 1000 रुपये में दिया जाएगा दिवाली का ऑफर। तो 1000 रुपया का ऑफर आज के लिए सभी के लिए है, और 800 रुपया का ऑफर उनके लिए है जो 170 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करते हैं। 170 में आपका केमिस्ट्री भी है और आपका हिंदी भी है, तो हिंदी के 100 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के आपके 70 क्वेश्चन है। तो आइए तैयार हो जाइए, आज के जो विनर होंगे, ठीक है, उन्हें 800 रुपया में असाइनमेंट दिया जाएगा जो भी 100 क्वेश्चन सही करेंगे। और बाकी सभी जो बच्चे 1300 रुपये में नहीं ले सकते थे, आज दिवाली, छोटी दिवाली के अवसर पे 1000 रुपये में उन्हें ये सारे क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। अब हर बच्चा एग्जाम में तहलका मचा देगा। चलिए तो रेडी हो जाएं सारे क्वेश्चंस लगाने के लिए। पूरे क्वेश्चंस में जो लाइव बने रहेंगे उन्हीं के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा देखें और आधा में चले गए तो उनके लिए ऑफर नहीं होगा, ठीक है, जो पूरा क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल पूछा गया है, कौन रबदार ठोस पदार्थ का उदाहरण है, और सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं, तो इसीलिए आपके लिए ऑफर बहुत जबरदस्त है। देखिए, पूछा गया है कौन रबदार ठोस पदार्थ है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और फटाफट से आंसर लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, चार क्वेश्चन है, फटाफट तरीके से आंसर लगाइएगा, कौन रबदार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए आंसर आना शुरू हो गया, जितने बच्चे बर्फ का आंसर लगाए हैं पहला सवाल सही हो गया, एकदम गिनते चलना है, पहला सवाल सही हो गया, बहुत अच्छे, जिनका भी डी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट तरीके से देखेंगे, एकदम आंसर लगाते रहिएगा। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4 या 1। चलिए धड़ाधड़ आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एटम इन फेस्ट सेंटर क्यूबिक यूनिट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में धमाल मचाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, चलिए जबरदस्त, जितने बच्चे 4 के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लेकर के आंसर करेंगे, NaCl की संरचना क्या होती है, NaCl की संरचना क्या होती है, NaCl की संरचना क्या होती है, अब रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए फटाफट एकदम धमाल मचा के आंसर कीजिए धड़ाधड़ तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें बच्चे, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आने लगा है आप सभी का, सभी का राइट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित फेस सेंटर के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है,
सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? अब धुआंधार आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए एकदम तहलका मचाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत अच्छे, राइट आंसर फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, 52% के साथ जितने बच्चे गए हैं, एक और क्वेश्चन सही हो गया है, लाजवाब। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। आज रात बम्पर ऑफर चल रहा है ना, दिवाली ऑफर है, जो फायदा उठा लिए। 110 बोला था, लेकिन 100 क्वेश्चन में सही कर लेंगे तो उन्हें जो असाइनमेंट है वो केवल और केवल 800 रुपये मिल जाएगा। ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, ये रात फिर कभी नहीं आएगी। किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। चलिए बहुत अच्छे, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं। आइसोटोनिक बिलियन, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा। किसी तनु बिलियन के बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बिलियन में उपस्थित अवाष्प विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इस कथन को क्या कहते हैं। अब इसका धुआंधार आंसर करेंगे, इस कथन को क्या कहते हैं। चलिए एकदम तहलका मचा के आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हेनरी का नियम, ड्यूलैंग का नियम, या रॉयल का नियम, या लॉ सितला नियम। चलिए क्या बात है, एक एक बच्चे एकदम धमाल मचा रहे हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आने लगा है। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे एकदम फटाफट तरीके से आंसर लगाइए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं, राहुल का नियम, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विलेय जिसका बिलियन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके बांड ऑफ गुणांक का मान क्या होगा। चलिए अब धड़ाधड़ आंसर करेंगे, एक विलेय जिसका बिलियन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसका बांड ऑफ गुणांक क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 7 1.0 के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जबरदस्त, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा, अब इसका आंसर लगाइएगा, कैथोड पे क्या मुक्त होगा, क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम, सी या डी। देखो शर्माना नहीं, एकदम आंसर लगाते रहिए, क्योंकि आपको यह भी पता है कि 1 फरवरी से फाइनल एग्जाम का डेट आ गया है, और ये वीडियो मैंने आज दिया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, डेट आपका फाइनल एग्जाम का आ चुका है, 1 फरवरी 2024 से आपकी एग्जाम जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो अब दिल की धड़कने एकदम थाम लीजिए, है ना, क्लास एकदम मिस नहीं करना है। जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, सोडियम के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए बताइएगा। फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का रगर क्या आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्या बात है, जबरदस्त तरीके से बच्चे आंसर लगा रहे हैं, एकदम इसी तरीके से आंसर लगाते रहिए क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, कौन सी अभिक्रिया एनोड पे संभव नहीं है। अब इसका आंसर लगाइएगा, कौन सी अभिक्रिया एनोड पे संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे, एकदम तहलका मचा दिया आज क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी, जबरदस्त एकदम धुआं कर दी, ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम गिनती करते चलिए। अगला सवाल, किस वैद्युत अपघट के केक बिलियन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है। चलिए आप धुआंधार आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट तरीके से।
किस विद्युत अवघट के केक बिलियन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? अब इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख चुका है, फटाफट तरीके से आंसर लगाइए। एक क्या बात है, एक एक बच्चा एकदम देखिए धमाल मचा दिए। चलिए सभी को हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली और कल बड़ी दिवाली है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यह अभिक्रिया दी गई है और आपसे पूछा गया है 2AB है ना, वेग निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? इसका वेग निरूपण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आप धुआंधार आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, फटाफट तरीके से आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या बात है, जबरदस्त आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धुआंधार आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल सही हो गया, 13। देखिएगा किसी अभिक्रिया के, एकदम धुआं धुआं कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पे निर्भर करता है? द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आप 13 नंबर में तहलका मचाइए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चे, तहलका मचाइए एकदम, क्या बात है, जबरदस्त आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में, बिल्कुल राइट आंसर है, ताप पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। इस बार टेम्परेचर के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 14 नंबर में धमाल मचा दीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है, कौन जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है बच्चा, अब इसमें एकदम धमाल मचा दो फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बात है, जबरदस्त आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 में, बिल्कुल राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जल में H2Cl2 HCl की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? HCl की अभिक्रिया की कोटि 3210। 15 नंबर क्वेश्चन में लगा क्या आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिए उसका आंसर लगाइए, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे डी क्लिक की है एकदम राइट आंसर है 0 होगा, है ना, राइट आंसर है डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 16, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण की प्रक्रिया पूछ रही है, ऊष्माशोषी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण या अपकरण। 16 नंबर में एकदम धमाल मचाइए क्वेश्चन नंबर 16, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? जबरदस्त, चलिए यही स्पीड चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देंगे 90% दिलाने वाला असाइनमेंट और सब्जेक्ट का, ठीक है, केवल आज के लिए ही ऑफर है, ये ऑफर समाप्त होने वाला है, केवल आज के लिए ऑफर है और सब्जेक्ट का, ठीक है, आपको 1000 रुपीज में दिया जा रहा है, 1000 रुपीज में, जो कि पहले 1300 रुपये में मिलता था, और आज के लिए छोटी दिवाली पे ये ऑफर है, तो इसका फायदा जरूर से उठा लीजिएगा फटाफट तरीके से, कल ये ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर पे रातों रात आपको क्या करना है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करना है, पेटीएम नहीं करना है। पेमेंट के बाद इसी नंबर पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे, और उसी टाइम क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में भेज दिया जाएगा, उससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और जो बच्चे आज 170 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, उन्हें ये जो 1000 में दिया जा रहा है आज के लिए, उन्हें 800 में ही दे दिया जाएगा, और 1000 में सभी को दिया जाएगा, ठीक है, केवल आज के लिए ऑफर है, ठीक है, बोनांजा ऑफर,
चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं कमाल कर दिए हैं। अगला सवाल, दूध क्या है? दूध के बारे में पूछा गया है कि दूध क्या है, मिल्क इज, मिल्क इज, मिल्क क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बहुत अच्छे, 17 का राइट आंसर है, चार ऑप्शन दिए गए बच्चे, अब धमाल मचाइए फटाफट तरीके से। बहुत अच्छे, 17 का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है, फैट डिस्पर्स इन वाटर, सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, कौन वैद्युत अपघट के फेरिक हाइड्रोक्साइड में स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, कौन होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 में, अब तहलका मचाइए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं क्या स्पीड में आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की बात पूछी गई है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है? प्रतिफल मात्रा को बदल देता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, या डेल्टा एच को घटाता है, या डेल्टा एच को बढ़ाता है? 19 नंबर, एकदम ध्यान से आंसर लगाना है, गलत नहीं करना है। 170 क्वेश्चन में आपको केवल 100 क्वेश्चन सही करना है और 1300 का पीडीएफ 800 रुपया में उठा के घर ले जाना है और एग्जाम में 90% छाप के आना है, ठीक है? तो ये दिवाली का ऑफर जरूर से जरूर पूरा करें। चलिए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बी के साथ गए हैं, केवल आज के लिए ही ऑफर है, ठीक है? तो जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से, ये ऑफर फिर निकल जाएगा तो फिर बोलोगे सर इतना में होगा तो नहीं हो पाएगा। किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? Which of the following metal is obtained by cyanide process? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। बिल्कुल राइट आंसर, सिल्वर, सी के साथ गए हैं और तहलका मचा दिए, सिल्वर, क्या बात है, फिर से सिल्वर, बहुत अच्छे, जबरदस्त, एकदम तहलका मचाए हुए हैं आप लोग, है ना, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछा है, किसके द्वारा पूछा है, किसके द्वारा अभिदमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? किसके द्वारा अभिदमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? चलिएगा अब धड़ाधड़ आंसर करेंगे फटाफट तरीके से, एकदम कमाल कीजिए। किसके द्वारा अभिदमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? चलिए फटाफट, फटाफट एकदम आंसर लगाएं बच्चे। बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर लगा दिए क्वेश्चन नंबर 21 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर है, फिर से एक सही आंसर आ चुका है, ऐसे ही बच्चे आंसर लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एकदम देखो आंसर लगाते रहना है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, एकदम सही जवाब क्या होगा? चलिए 22, बहुत अच्छे, राइट आंसर सभी का आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 22, वैद्युत शोधन कहलाती है ना, एक ही साथ जितने बच्चे गए हैं, एकदम धुआं धुआं कर दिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल 23, किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तांबा धातु का निष्कर्षण किससे होता है? तांबा धातु का निष्कर्षण किससे होता है? अब रगड़ के आंसर करेंगे, तांबा धातु का निष्कर्षण किससे होता है? चलिए धुआंधार आंसर लगाइए फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से आंसर लगाएंगे बच्चे। चलिए क्या बात है, जबरदस्त, एकदम तहलका मचाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, फटाफट एकदम आंसर लगाते रहें। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 23 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, जितने बच्चे सी के साथ गए हैं, कॉपर पराइट के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए लगता है कि 170 में 100 सही करना है, लगता है कि 70 में 150 सही कर देंगे आप लोग,
देखिएगा कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसका आंसर लगाना है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है। आप धुआंधार तरीके से आंसर कीजिएगा कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, चलिए आप इसमें भी सही करके दिखाइए और इसमें भी तहलका मचा दीजिए, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। 24 बहुत अच्छी ऑप्शन नंबर सी HCl के साथ गए। क्वेश्चन देखते हैं कुछ लोग आंसर लगा रहे हैं, है ना, ये होता है डेली क्लास करने का फल, है ना। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त, चलिए अगला सवाल देखेंगे। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है नोबेल गैस का, नोबेल गैस का यहां पे पूछा गया है, तो फटाफट तरीके से आप लोग नोबेल गैस का बताएंगे, नोबेल गैस का धराधर तरीके से बताइए बच्चे। 25 चलिए क्या बात है जबरदस्त आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल खुश हो जाइए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे NH2NP6 NH2NP6 वाले भैया एकदम कमाल कर दिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 26 कौन सबसे प्रबल अक्षिकारक है, 26 में पूछा है कौन सबसे प्रबल अक्षिकारक है। अब यहाँ पे धमाल मचाइएगा, सबसे प्रबल अक्षिकारक पूछा गया है, अब कारक नहीं ऑक्सीडाइजिंग पूछा गया है, ठीक है, कभी कभी अवकारक पूछता है तो अवकारक का भी क्लास में पढ़ाए हुए हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है फ्लोरीन के साथ, जितने बच्चे गए हैं ए के साथ गए हैं, एक और क्वेश्चन आपका सही हो गया, एक और सवाल इसी के साथ सही हो गए आपके। चलिए जबरदस्त एकदम इसी तरीके से बच्चे आंसर लगाते रहे फटाफट तरीके से। चलिए अगला सवाल देखेंगे S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। अब धुआंधार आंसर लगाएंगे S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। चलिए एकदम रगड़ के आंसर करते रहे बच्चे, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत अच्छे एकदम धमाल मचा के आंसर करेंगे 27 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है प्लस टू के साथ, नहीं प्लस टू नहीं होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है जीरो के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है, देखो सही से निकालो जीरो हो जाएगा। चलिए जीरो वाले भैया एकदम धमाल मचाए हैं, प्लस टू गलत है, ठीक है प्लस टू गलत है भैया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 निम्नलिखित युग्मों में कौन जो है, ध्यान से देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में कौन जो है संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व कौन है, अब इसका आंसर लगाइएगा कौन इसमें संक्रमण तत्व है। चलिए धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 संक्रमण तत्व की बात की गई है। चलिए बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे गए हैं धुआंधार तरीके से, कॉपर एंड Fe बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, अब इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर लगाइएगा कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से कौन आयन प्रतिचुंबकीय होगा। बहुत अच्छे आंसर आ चुका है सी के साथ बच्चे गए हैं, एकदम राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और सवाल सही हो गया। आज दिवाली के मौके पे बच्चे एकदम बम फोड़ रहे हैं, तो असली बम यही फोड़ना है 30 में। चलिए आज क्लास में बम फोड़ना है और कल सच में पटाखा फोड़ना है ना, वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब इसमें एकदम बम फोड़िए, क्वेश्चन नंबर 30 एक एक क्वेश्चन सही तो एक एक बम फोड़ दिए है ना। चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से बच्चे आंसर लगाओगे, वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, धुआंधार तरीके से आंसर लगाएंगे वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए बहुत अच्छे बी के साथ गए हैं बच्चे, बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम राइट आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है
ध्यान से एकदम क्वेश्चन करना है। चलिए बहुत अच्छे, बी वाले एकदम शानदार आंसर किए। अगला सवाल देखिएगा 31, कौन लैंथेनाइट तत्व है? लैंथेनाइट तत्व की बात की जा रही है कि लैंथेनाइट तत्व कौन होगा? अब अगर क्या आंसर करेंगे फटाफट तरीके से बच्चे आंसर लगाइएगा, लैंथेनाइट तत्व कौन है? लैंथेनाइट तत्व की बात की गई है। चलिए बहुत अच्छे 31, एकदम आंसर आने लगा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी वाले भैया बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं गर्द और आदमी। चलिए अगला सवाल 32, केमनोफोर में केमेन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? केमनोफोर में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए हैं गर्दा उड़ा दिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे अगला सवाल देखेंगे 33, NiCO4 में प्रसंस्करण पूछा गया है, NiCO4 में प्रसंस्करण क्या होता है? द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4। चलिए अब इसमें लगा के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में एकदम तहलका मचा दीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं कर देना है। NiCO4 में प्रसंस्करण कितना होता है? चलिए 33, बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं गर्दा उड़ा दी, ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या गया है ना, K3CrC2O4 में क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी होती है? 3, 4, 8 या 6। 34 में धमाल मचाइएगा, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, एकदम तहलका मचाते रहिए। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 में एकदम रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए 34, बहुत अच्छे 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, 6 के साथ गए हैं, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, दो क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, इन दोनों के बताना है कि इन दोनों में आपस में किस प्रकार से संबंध है। चलिए अब धुआंधार आंसर करेंगे फटाफट तरीके से, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब इसमें एकदम तहलका मचाओ बच्चा, रगड़ के आंसर करोगे फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे आंसर लगाएंगे 35 में, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, आयनन समावयव। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर, एक और क्वेश्चन सही हो गया 35 में ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 36, क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म की बात की गई है, क्लोरोफॉर्म क्या है? अब धुआंधार आंसर करेंगे क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म में रगड़ के आंसर करेंगे, क्लोरोफॉर्म क्या है फटाफट तरीके से आंसर कीजिएगा। क्लोरोफॉर्म इज अ प्राइमरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, सी या डी। चलिए अब धुआंधार आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफॉर्म क्या है? चलिए बहुत अच्छे 36 में आंसर लगाएंगे, बहुत अच्छे सही जवाब है प्राइमरी हैलाइड। एक साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त, यहाँ पे देखो असली दिवाली मना रहे हैं, प्राइमरी हैलाइड बिल्कुल राइट आंसर है, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्राइमरी हैलाइड, चलिए अगला सवाल देखेंगे,
एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराएंगे तो क्या बनेगा? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या इथिनी? चलिए 37 में रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। चलिए बहुत अच्छे, ब्यूटेन के साथ जा रहे हैं बच्चे, एकदम तहलका मचा दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, कौन एलील हैलाइड है? 38 में पूछा है एलील हैलाइड कौन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलील हैलाइड, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें आंसर लगाएंगे कौन एलील हैलाइड है। एलील हैलाइड की बात की गई है, धुआंधार तरीके से आंसर कीजिएगा। चलिए 38, बहुत अच्छे, सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिए हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आज के लिए बोनांजा ऑफर है, ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो, ठीक है, सभी का असाइनमेंट जो 1300 रुपये में मिल रहा था कुछ दिन तक और कल भी 1300 में मिलेगा, आज छोटी दिवाली के शुभ अवसर पे ये असाइनमेंट 1300 में नहीं मिलकर अब केवल और केवल आज के लिए केवल और केवल 1000 रुपये में दिया जा रहा है लेने के लिए रातों रात, ठीक है। जब देख रहे हैं तब 9504510500 इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है, पेटीएम नहीं करना है। पेमेंट के जस्ट बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और उसी टाइम क्वेश्चन और आंसर दोनों का पीडीएफ जो है वो आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो है ना जबरदस्त ऑफर, दिवाली वाला ऑफर आप लोगों के लिए आज ही लेकर आ गए हैं, तो जबरदस्त इसका फायदा उठाइएगा, है ना। और जो बच्चे आज की क्लास में कम से कम 100 सही कर लेंगे उन्हें तो और भी तहलका, है ना, केवल 800 रुपये मिल जाएगा। जो बच्चे 100 क्वेश्चन सही कर लेंगे आज उन्हें 800 में मिल जाएगा और बाकी सभी बच्चे को 1000 में, केवल 11 नवंबर आज की रात, है ना, आज की रात 11-11 ऐसा संयोग नहीं मिलेगा, 11-11-2023 है, इसलिए ऑफर आज ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या पूछा है, यह अभिक्रिया के लिए हैलोजन अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम क्या होगा? घटता हुआ क्रम पूछा गया है 39 में, घटता हुआ क्रम क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, घटता हुआ क्रम की बात कर ले बच्चे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है 40, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल क्या होता है? When ethyl chloride is heated with AgCN, the main product is ethyl cyanide, ethyl isocyanide, ethyl amine या ethyl nitrate? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, इसमें फटाफट आंसर लगाइएगा। बहुत अच्छे, एथिल आइसोसाइनाइड के साथ जितने बच्चे कहे हैं एकदम रगड़ के आंसर किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जबरदस्त, अगला सवाल देखो, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? चलिए 41 में रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे, एकदम तहलका मचा दीजिए, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 में रगड़ के आंसर करेंगे, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, सही जवाब है सी एस्थिल, है ना, ए वाले भैया एकदम कमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल है 42, निम्नलिखित में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंस्करण होता है? ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंस्करण कितना होता है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर इज, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंस्करण पूछ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में, अब रगड़ के आंसर करो क्वेश्चन नंबर 42 में, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए 42, फटाफट बच्चे एकदम कमाल कर लो 42 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे 42 का राइट आंसर लगाइए, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी के साथ क्या है SP3 लाजवाब आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है फॉर्मलडिहाइड CH3MgBr, फॉर्मलडिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3 एंड GVR2 फटाफट आंसर करें 43 फॉर्मल्डिहाइड CH3 MgVr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, चार ऑप्शन है ठीक है। आज 100 क्वेश्चन जो है समझ जाइए सही कीजिएगा तो 200 रुपया आपके बच जाएंगे है ना, क्योंकि ऐसे आपको आज की रात दिवाली ऑफर 1000 में असाइनमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो ये असाइनमेंट 1000 में नहीं आपको 800 में मिल जाएगा, समझ रहे हैं ठीक है। बस आपको इस नंबर पे ही फोन पे या गूगल पे करना है रगड़ के, चलिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। तूफानी रात है, एकदम दिवाली वाली रात है और दिवाली मनाना है, सोच सकते हो कितना ऑफर, जो 1300 में मिल रहा था है ना वो किसी को 1000 में और किसी को 800 में मिलने जा रहा है। चलिए 43 बहुत अच्छे सही जवाब लगा दिए एक ही साथ इतने बच्चे गए हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है इसका यूपीएससी नेम क्या होता है, 44 में पूछा गया है इसका आईयूपीएससी नेम पूछा गया है, आईयूपीएससी नेम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 में तहलका मचाइएगा। फटाफट आंसर करें बच्चे, क्या बात है जबरदस्त आंसर कर दिए आप लोग, एकदम कमाल एकदम तहलका मचा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बहुत अच्छे आंसर लगाइए और फटाफट एकदम बी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है टू प्रोपेनर। चलिए अगला सवाल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है, घबराइए नहीं 100 क्वेश्चन हिंदी का भी है ना, तो आपको तो 100 क्वेश्चन हिंदी में भी सही कर लोगे 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कि सर बाद में देख रहे हैं, कोई बात नहीं है 170 क्वेश्चन है बच्चा, केवल 100 क्वेश्चन ही तो सही करना है आपको। चलिए प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है और ऑफर ले लेना है। चलिए 45 बहुत अच्छे नगर के आंसर करेंगे धुआंधार एल्डिहाइड बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे किसे लुकास अभिकर्मक करते हैं, 46 में आंसर लगाइएगा लुकास अभिकर्मक किसे कहा जाता है, लुकास अभिकर्मक की बात की जा रही है, लुकास अभिकर्मक किसे कहा जाता है, अब धुआंधार आंसर करेंगे लुकास अभिकर्मक 46 में नगर के आंसर कीजिएगा। चलिए बच्चे एकदम तहलका मचाते हुए क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर लगाइएगा, क्या बात है जबरदस्त, ध्यान से आंसर लगाना है घबराना नहीं है जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर 46 का ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम एक और बम फोड़ दिए ऑप्शन नंबर ए के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चलिए बहुत अच्छे चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछ रहा है 47 परिशोधित स्प्रिट में क्या रहता है, परिशोधित स्प्रिट में क्या रहता है रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंट्स, परिशोधित स्प्रिट में क्या रहता है अब इसका आंसर लगाइएगा 75% एथिल अल्कोहल 95.5% सी या डी 47 क्या बात है जबरदस्त आंसर आ चुका है बी के साथ जा रहे हैं 95.5% अल्कोहल एकदम धुआंधार आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं कमाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है एल्डिहाइड एवं कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन 48 में एकदम धुआं धुआं कर दीजिए 48 नंबर क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम आपका 1 फरवरी से शुरू है, 1 फरवरी से फाइनल एग्जाम शुरू है, अब कंफर्म हो गया है ना डेट आ गया है ना, इस वीडियो में ना इसी एक्चुअली यूट्यूब चैनल यानी इसी चैनल पे दिया है या ग्रुप में भी वीडियो का लिंक है जाके देख लीजिएगा ठीक है, और प्रैक्टिकल का भी एग्जाम का डेट करीब करीब आ ही गया है, वीडियो में भी बताया गया है तो जरूर से देख लीजिएगा, अब आपको लग जाना है इसीलिए अब असाइनमेंट आपको ले लेना है ठीक है, क्योंकि आज न कल तो लेना ही है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश सब कुछ
आज की रात केवल और केवल 1000 रुपये में सभी के लिए है, और टॉपर के लिए 800 रुपये में, है ना। तो इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है, और इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, इसी व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट के बाद। और उसी टाइम आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा, और जाके फाइनल एग्जाम में धराधर छाप देना है, है ना, एकदम हल्का मचा देना है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 90% एकदम ताल ठोक के आएगा। चलिए 48, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या है, एकदम गर्दा उड़ा दी ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 49 में क्या पूछ रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ले आया बच्चा, 49। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, अब रगड़ के आंसर करेंगे, किसके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं 49 में, अब धुआंधार आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छे, बी के साथ गए बच्चे, एकदम तहलका मचा दिया, ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखिएगा 50, CH3CHO का IUPAC ने पूछा है, CH3CHO का the IUPAC name of CH3CHO, एस्टरडिहाइड, एथेनल, एथेनलडिहाइड या एल्डिहाइड, 50 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर करेंगे बच्चे, गर्दा उड़ा दीजिए 50, बहुत अच्छे, क्या बात है, एथेनल के साथ बच्चे गए हैं, एकदम कमाल कर दिए आप लोग, धुआं धुआं कर दिए, है ना। चलिए अगला सवाल 51, आज लगता है कि मुझे लूट लीजिएगा आप लोग, है ना, ये 1300 वाला ऑफर में 800 में कर दिया हूं, अब बताइए आप लोग इतना एकदम सही कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन, है ना, तो 100 क्वेश्चन तो सही करना ही है, और 100 क्वेश्चन सही करते हैं तो ये 1300 वाला PDF जो है वो आज रात आपको 800 में मिल जाएगा, 500 का खरे खरे नुकसान, लेकिन आप लोगों की सफलता ही मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ हर वो गरीब बच्चा जो टेंशन में है कि सर मेरे पास 1300 रुपये नहीं था, तो पढ़ने वाला बच्चा कहीं पिछड़ ना जाए, तो जो बच्चा आज 100 क्वेश्चन सही कर लेगा तो आज की रात उसे 800 में मिल जाएगा, है ना, तो ऐसा ऑफर आना चाहिए जो बच्चे दिक्कत हो रहा है उनके लिए, और जो बच्चे 100 क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं उदास क्यों हो रहे हो, आपके लिए तो 1000 रुपये में है आज की रात, है ना, आज की रात एकदम गर्दा उड़ा देना है। चलिए बहुत अच्छे 51, बिल्कुल राइट आंसर है 51 का, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 52, किसके साथ मोनोकार्सिक अम क्रियाशील समावयवी प्रदर्शित करता है, किसके साथ मोनोकार्सिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है, इथर, एल्कोहल, एल्डिहाइड या इस्टर, 52 में रगड़ के आंसर कर ले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 52, बहुत अच्छे ईस्टर के साथ, डी वाले भैया एकदम धमाल कर दिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, प्राइमरी एमीन को निरूपित कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ प्राइमरी एमीन, 53, क्या बात है, इसमें एकदम बम फोड़ दिए, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो 54, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलीय कोएच के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, जब मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलीय कोएच के साथ गर्म किया जाता है तो आखिर क्या बनता है, CH3NC, CH3CN, सी या डी, 54 नंबर में रगड़ के आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम तहलका मचा दो 54। चलिए बहुत अच्छे लाजवाब, ए के साथ बच्चे जा रहे हैं एकदम गर्दा उड़ा दी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ट्राइमिथाइल एमीन क्या है, अब एक एक बच्चा एकदम तहलका मचा दो, ट्राइमिथाइल एमीन, 55 में धुआंधार आंसर कीजिएगा, क्या है ये, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन या इनमें सभी, चलिए अब धुआंधार आंसर करेंगे बच्चे, सही जवाब क्या होगा, ट्राइमिथाइल एमीन क्या है, 55, क्या बात है, राइट आंसर है टर्शियरी एमीन, बहुत अच्छे बच्चे, है ना, यही यही परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम में दोहरा देना है जाके, एक एक बच्चा जो भी अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल से पढ़ रहा है
एग्जाम में जम धोती फाड़ रुमाल बनाना है, यानी 90% का टारगेट आपको मैं पूरा करा दूंगा, इसका 100% गारंटी है, 90% आपको एकदम दिला के ही मानना है, इसीलिए ऑल सब्जेक्ट आपको कराया जा रहा है ना। दिवाली के लिए मैथ और बायो थोड़ा सा रुका हुआ है, दिवाली के बाद जो मैथ और बायो है वो भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दो दिन के लिए बच्चे थोड़ा सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ मैथ और बायो दो दिन आपका नहीं हुआ है। चलिएगा, किसका एकीकरण संभव है, प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, सी का या डी का? 56 में तहलका मचाइए, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए आंसर लगाएंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और तहलका मचाते रहना है। जबरदस्त जबरदस्त एकदम गर्दा उड़ा दिए 56 में, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी का डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से सही जवाब दिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। चलिएगा, अब रगर के आंसर करेंगे, आणविक सूत्र C4H11 के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, 1, 2, 3 या 4? 57 में तहलका मचा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए 4, 4, 4, बहुत अच्छे बच्चे, एकदम धुआंधार आंसर कर दिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, 58, इसे भी सही करके दिखाइए। एसीटोनाइट्राइल, देखिए क्या पूछा है, एसीटोनाइट्राइल क्या है, एसीटोनाइट्राइल क्या है, 58 में रगड़ के आंसर करेंगे, एसीटोनाइट्राइल क्या है, मिथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, प्रोपोनाइट्राइल या ब्यूटेन नाइट्राइल? आज की रात छोटी दिवाली के दिन एकदम गर्दा उड़ा दे रहा है बच्चे, 58 में रगड़ के आंसर कीजिएगा, क्या बात है, राइट आंसर है ब्यूटेन नाइट्राइल, डी वाले भैया एकदम कमाल कर दिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कौन मोनोसेकेराइड है, 59 में पूछा गया है मोनोसेकेराइड क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड, अब धुआंधार आंसर लगाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन में, मोनोसेकेराइड क्या है, सुक्रोस, ग्लैक्टोस, माल्टोस या लैक्टोस? 59, चलिए बहुत अच्छे, ग्लैक्टोस के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम धुआंधार आंसर किए हैं, ऑप्शन नंबर बी लाजवाब, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखो, 60, न्यूक्लिक अम्लों में कौन सा क्रम सही होता है, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा क्रम सही होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में पूछा गया है कौन सा क्रम जो है वो सही होता है, 60 नंबर में धमाल मचाइए। चलिए एकदम याद रखना है, फॉस्फेट, बेस और शुगर PBS के साथ गए हैं और गर्दा उड़ा दिए है ना, फॉस्फेट, बेस और शुगर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, अब इसका आंसर लगाइएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अब इसमें धुआंधार आंसर लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 61 फटाफट तरीके से, क्या बात है, लाजवाब सभी का आंसर आ चुका है, स्कर्वी के साथ गए हैं, क्या बात है, यही स्पीड में आंसर लगाना है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल 62, निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा अमीनो एसिड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, लाइसिन, ग्लाइसिन, सेरिन या प्रोलिन? 62 में धमाल मचाइएगा, कौन आवश्यक अल्फा अमीनो एसिड है, 62 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, ए के साथ जा रहे हैं, लाइसिन के साथ गए हैं, एकदम कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, आधे घंटे में किसके द्वारा स्टार्च का माल्टोज में बदला जाता है, आधे घंटे में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन अबाउट हाफ एन आवर टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, 63 नंबर में रगड़ के आंसर करेंगे, किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं, 63। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश नीचे है बच्चा, किसके द्वारा बदलते हैं, बहुत अच्छे, देखो क्या स्पीड में आंसर करें, डाई स्टेज, बिल्कुल राइट आंसर है,
ऑप्शन नंबर डी के साथ गए गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल 64 में अब तहलका मचाइए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर। आपको एक डायलॉग एकदम याद रखना है, डेली टॉपर बनना है और चलने वाले को जलाना है ना, एक दिन एकदम याद रखना है इसी को, एकदम सोने जाइए तो आपको यही याद रखना है कि डेली टॉपर बनना है और चलने वाले को और जलाना है, डेली टॉपर बनना है और चलने वाले को और जलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए, मजा आ जाएगा है ना, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता रहेगा। चलिए 64 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। 65 में पूछा है कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, अब इसका आंसर लगाइएगा। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है 65, बहुत अच्छे, नाइलॉन 6 ए के साथ गए हैं और तहलका मचा दिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा डेक्रेन किसका उदाहरण है, डेक्रोन किसका उदाहरण है, डेक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 66 में धमाल मचाइएगा, डेक्रोन किसका एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डेक्रोन किसका एग्जांपल है, फटाफट एकदम आंसर लगा बच्चा, डेक्रोन किसका एग्जांपल है 66 में। चलिए बहुत अच्छे, डेक्रोन की बात की जाए तो पॉलिस्टर के साथ गए हैं, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, क्लोरामीन टी क्या है, क्लोरामीन टी क्या है ये पूछा गया है 67 में, आप तहलका मचा दीजिए, एंटी मेडियल, एनालेजेसिक, उपमासक या एंटीसेप्टिक। 67 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे क्लोरामीन टी क्या है 67। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आने लगा है फटाफट, एकदम बच्चे एकदम कमाल किए हुए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाले, एंटीसेप्टिक के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल देखिएगा, पेंसिलिन का सबसे पहला आविष्कार, देखो 70 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और 100 क्वेश्चन अभी हिंदी का है, ठीक है, टोटल मिलाकर 170 क्वेश्चन आज आपको देने वाले हैं, जिसमें अगर 100 क्वेश्चन सही कर लिए तो 1300 रुपये वाला जो असाइनमेंट है 90% दिलाने वाला, ठीक है, जो बच्चे कमेंट कर देंगे लाइव क्लास में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं पुनी का, केवल और केवल 800 रुपये में मिल जाएगा, और आज की रात ही, कल नहीं, सिर्फ आज की रात, ठीक है, रातों रात एकदम फायदा ले लेना है। नंबर जो है स्क्रीन पे आपको दिया गया है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है फोन पे या गूगल पे से, अगर आप फोन पे नहीं चलाते हैं गूगल पे नहीं चलाते हैं तो किसी और से भी करवा सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा और एग्जाम में गड़बड़ उड़ाना है। चलिए 68 बहुत अच्छे, 68 का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए बहुत अच्छे, कमाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा गया है, नेक्स्ट देखेंगे, फिनॉल का उपयोग किसके रूप में होता है, फिनॉल का यूज हम किस रूप में करते हैं, फिनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, फिनॉल इज यूज्ड एज ऑफ द फॉलोइंग, फिनॉल का यूज हम किस रूप में करते हैं, फिनॉल का यूज। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, कीटाणुनाशक, एंटीसेप्टिक, सी या डी, 69 का आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, आंसर लगाइए, बिल्कुल सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, डाई है ना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, डी सैनिफिक्टेन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन 70 पूछा गया है, मॉर्फिन क्या होता है, एंटीसेप्टिक, एनालजेसिक, एंटीबायोटिक या एनेस्थेटिक, मॉर्फिन की बात की गई है। चलिए अब इसका आंसर लगाइए फटाफट तरीके से, क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और इसमें भी आप गर्दा उड़ा दीजिए, 70 नंबर क्वेश्चन में एकदम तहलका मचा देना है बच्चा, 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बहुत अच्छे,
एनालिसिस के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल का आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जबरदस्त। अब देखिए 70 क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री का, अब यहाँ पे हिंदी का आपको 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 हिंदी और 70 केमिस्ट्री। 170 में जितने बच्चे 100 क्वेश्चन सही कर लेंगे, केवल 100 क्वेश्चन सही करना है, और जो 90% दिलाने वाला जो असाइनमेंट है जो कि 1300 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, जो बच्चे 100 क्वेश्चन सही कर लेंगे उन्हें 1300 में नहीं आज की रात केवल और केवल 1000 रुपये में मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, सॉरी 1000 तो सभी को मिलेगा, 800 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 नहीं 800 रुपये में, जो बच्चे 100 क्वेश्चन सही कर लेंगे उन्हें 800 रुपये में, जिनका 100 क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है वो भी उदास नहीं है, उनके लिए भी ऑफर है, उनके लिए ऑफर है कि आपको 1000 में मिल जाएगा आज की रात। तो आज की रात छोटी दिवाली की रात है और छोटी दिवाली में बम्पर सौगात आप सभी के लिए है, ठीक है। कैसे क्या लेना है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है, तो जबरदस्त तरीके से इसका फायदा उठाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, 100 क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए देखिए मैसेज आना भी शुरू हो गया है, तो आप लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, जितने बच्चे पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्लास के बाद मैं आपको सारा का मैं आपको पीडीएफ जो है धड़ाधड़ तरीके से भेज दूंगा, ठीक है, आपका लोगों का आ गया। जितने बच्चे पेमेंट कर रहे हैं कॉल नहीं कीजिए, वेट कीजिए थोड़ा देर, क्लास के बाद मैं आपको सबको एक साथ सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आदनाईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक, आदनाईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारीश दिनकर या मलयज। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है आदनाईश्वर, रामधारीश दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे बच्चा, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता पूछा गया है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता जो है कौन है, आप इसका आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर टू, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, जय कृष्णमूर्ति या नामवर सिंह, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, जय कृष्णमूर्ति बिल्कुल राइट आंसर है, सी के साथ गए, क्या बात है। अगला सवाल देखिएगा, मलयज का मूल नाम पूछा गया है, मलयज का मूल नाम क्या था, भरतजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव या गंगाराम, मलयज का मूल नाम क्या था, 3 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे भरतजी श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट आंसर है भरतजी श्रीवास्तव। चलिए अगला सवाल, परगीत और समाज किस विद्या की रचना है, इस तरह से क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि 100% जो बच्चा क्लास में आता है वो 100 या 150 से ज्यादा क्वेश्चन आज सही कर लेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं और देखना है कि आप लोग कितना याद करते हैं वो देखना है मुझे, है ना, क्वेश्चन ये कराया हुआ है आपको, देखना है कि आप कितने क्वेश्चन ये आपको याद है, क्या तैयारी है आपकी, और ऑफर भी है ही साथ में, तो जो तैयारी करते हैं उनको तो इनाम मिलना चाहिए ना, इसीलिए ऑफर निकाला गया है। पर गीत और समाज किस विद्या की रचना है, बहुत अच्छे आंसर लगाएंगे। आलोचनात्मक निबंध, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एक एक बच्चा यहाँ पे धमाल मचा दिए हैं। चलिए अगला सवाल, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, क्वेश्चन नंबर 5 में, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान या धर्म प्रधान, उसने कहा था, बहुत अच्छे कर्म प्रधान, एक ही साथ गए हैं, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, उदय प्रकाश, बालकिस भट्ट, राजेश्वर या मोहन राकेश। चलिए बहुत अच्छे, बी डी के साथ जितने बच्चे गए हैं मोहन राकेश, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल, 7, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम, अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे 7 नंबर। चलिए मकुंदी देवी एवं छोटन लाल, बिल्कुल राइट आंसर, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल एकदम धुआंधार तरीके से, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 4 ऑप्शन है, अब इसमें आंसर लगाइए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर लगा रहे हैं,
बिल्कुल राइट आंसर, एकदम दिवाली मना दी आप लोग 28 सितंबर 1907 ऑप्शन नंबर बी के साथ गए जबरदस्त तालिका मचाए। चलिए अगला सवाल, सदा नीला किस नदी को निमित बनाकर लिखा गया है, गंगा नदी, गंडक नदी, गोदावरी या यमुना। 9 नंबर में आंसर लगाए फटाफट तरीके से, सदा नीला किस नदी को निमित बनाकर लिखा गया है। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट से आंसर कीजिएगा फटाफट से। चलिए बहुत अच्छे, सदा नीला किस नदी को निमित बनाकर लिखा गया, फटाफट तरीके से आंसर लगाएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल राइट आंसर है गंडक नदी के साथ जितने बच्चे गए हैं, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है, भारे शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भारे का मजदूर या लंगड़े शरीर वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में धुआंधार आंसर करेंगे, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है। चलिए बहुत अच्छे, भारे का मजदूर, बिल्कुल राइट आंसर है भारे का मजदूर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी है, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या सरदार पटेल। 11 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी है, फटाफट आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। फटाफट आंसर कीजिए, चलिए एक एक बच्चे आंसर कीजिए अब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बात है जगदस्त आंसर कर दिए एकदम धुआंधार, चलिए बहुत अच्छे, फटाफट सभी का आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का। इलेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है, जेपी की पत्नी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, प्रभावती देवी, श्यामवती देवी, रत्नावली देवी या दैमंती देवी। चलिए आप धुआंधार आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। क्या बात है सभी का लाजवाब आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल राइट आंसर है प्रभावती देवी, है ना, सही जवाब क्या है प्रभावती देवी। चलिए बहुत शानदार, अगला सवाल, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी, करबक के राइटर कौन है, करबक के राइटर तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के राइटर 30 नंबर क्वेश्चन में लगकर क्या आंसर कीजिएगा, करबक के राइटर कौन है, करबक के राइटर कौन है, अब रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल एकदम धमाल मचाइए, सूरदास किस भाषा के कवि थे, 14 में रगड़ के आंसर करो, एक एक बच्चे देखिए तूफानी अंदाज में कर रहे हैं, सूरदास किस भाषा के कवि थे। चलिए बहुत अच्छे, ब्रज भाषा, बिल्कुल कमाल का आंसर एकदम जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, आज एकदम धमाल मचाना है, 15, छत्रसाल दशक के रचनाकार, अब इसे सही करके दिखाइए, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन थे, छत्रसाल दशक के रचनाकार, 15 नंबर क्वेश्चन एकदम तहलका मचा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, अब इसे रगड़ के आंसर करेंगे। क्या बात है भूषण जी, बहुत अच्छे शानदार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा,
अवधि भाषा खरी बोली हिंदी या मगही? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सही जवाब होगा? खड़ी बोली हिंदी के साथ गए एकदम तहलका मचा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए जबरदस्त, अगला सवाल। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि पूछा गया है। 17 में आंसर करेंगे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या सुमित्रा नंदन पंत। 17 का सही जवाब क्या होगा? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? चलिए एक एक बच्चे का राइट आंसर आ चुका है। जयशंकर प्रसाद, क्या बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज एकदम गर्दा उड़ा दिया आपने। हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे? अब धुआं उड़ाओ एकदम। चीन, फ्रूस, फ्रांस या कांगो? क्योंकि ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा आज छोटी दिवाली के दिन के शुभ अवसर पे, है ना। जो भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश का 90% दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, वो आज की रात 1300 में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज की रात है दिवाली, छोटी दिवाली, तो आपको 1000 रुपये में सिर्फ और सिर्फ आज की रात मिलेगा। लेने के लिए जबरदस्त तरीके से इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और फोन पे या गूगल पे भी इसी नंबर पे करना है। पेमेंट फोन पे या गूगल पे से करना है और पेमेंट के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा, आंसर के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो जबरदस्त तरीके से इसका फायदा उठाइए, आज रात के लिए अवेलेबल है ये ऑफर। और जो बच्चे आज 100 क्वेश्चन ही लगा लेते हैं उन्हें 1000 में भी नहीं, उन्हें केवल और केवल 800 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा है आज दिवाली वाली रात। चलिए 18, बिल्कुल राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी, कांगो के साथ गए हैं, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा है। 19, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल, शिवाजी, राजा रुद्रशाह या औरंगजेब? चलिएगा अब आंसर लगाएंगे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि कौन दिए? छत्रसाल, शिवाजी, राजा रुद्रशाह या औरंगजेब? चलिए 19 नंबर का आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छे, राजा रुद्रशाह के साथ गए, एकदम कमाल कर दियो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक की बात की जाए तो अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक, व्यंगात्मक, ऐतिहासिक या उपदेशात्मक? 20 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है? अब रगड़ के आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। चलिए अधिनायक की बात कर ले, बी के साथ गए, व्यंगात्मक, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, जूठन के हेडमास्टर कौन है? जूठन के हेडमास्टर कलीराम, खालीराम, दालीराम या हुलासीराम? चलिए बहुत अच्छे, क्या स्पीड में आंसर कर रहे हैं, कलीराम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध या सुकरात? किस रूप में देखे जाते हैं? अब धुआंधार आंसर कीजिएगा फटाफट तरीके से, सही जवाब क्या होगा? अब इसका आंसर लगाइएगा बच्चे फटाफट तरीके से, एकदम कमाल का आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा? आंसर लगाइए एकदम। पूछा क्या गया है, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? चलिए बहुत अच्छे, महामनीषी के साथ जा रहे हैं, एकदम राइट आंसर है महामनीषी, जबरदस्त आंसर। चलिए अगला सवाल, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे थे? नामवर सिंह की बात कर ले तो कौन सी पत्रिका के संपादक थे नामवर सिंह? चलिए अब इसमें धुआंधार आंसर करेंगे बच्चे, नामवर सिंह कौन सी पत्रिका के संपादक थे? चलिए जबरदस्त, 23 में रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे, नामवर सिंह कौन सी पत्रिका के संपादक थे? 23। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, आलोचना, एकदम जबरदस्त, एक एक बच्चा एकदम देखिए तूफानी अंदाज में आंसर करता हुआ, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखिएगा,
हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सुर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है, अब धुआंधार आंसर लगाएंगे, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहते हैं। 24 में रगड़ के आंसर करेंगे, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहते हैं। एकदम तहलका मचा देना है बच्चे, कमाल तरीके से, क्या बात है। 24 का राइट आंसर आ चुका है, हिंदी साहित्य का सुर की बात कर लें तो जितने बच्चे सूरदास के साथ गए हैं, जबरदस्त तरीके से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिया आप तो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह का रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह का रचयिता पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है, धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे बच्चे, सही जवाब क्या होगा। चांद का मुंह टेढ़ा, चलिए जबरदस्त 25, गजानन माधव मुक्तु भी बिल्कुल राइट आंसर है, ए के साथ गए। अगला सवाल देखिएगा, इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा गया है, 26 में अब रगड़ दो एकदम, रातों रात आज दम तूफानी अंदाज में ऑफर का फायदा उठा लेना है, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा आपको, है ना। चलिए जबरदस्त तरीके से बच्चे एकदम तहलका मचाते रहिए, इति जोर आदि है ना, बी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 27 में पूछा है, देखते हैं कितने बच्चे आज 100 में 100 कर पाते हैं, जबरदस्त तरीके से एकदम तहलका मचा पाते हैं। चलिए कमाल का आंसर एकदम लगाते रहे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, फटाफट तरीके से आंसर लगाएंगे बच्चे। चलिए गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद, चलिए 27 बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैज और अग बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, परमार्थ का संधि विच्छेद अब आंसर लगाएंगे, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा फटाफट एकदम। चलिए बहुत अच्छे, 28 में आंसर आ चुका है, परमार्थ की बात कर लें तो सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर ए, परम जो अर्थ के साथ जितने बच्चे गए हैं तहलका मचा दिए। चलिए अगला सवाल, विद्यार्थी का संधि विच्छेद, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, 29, विद्या जो अर्थी, बी वाले भैया एकदम धमाल किए हैं। अगला सवाल देखिएगा, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, 30, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, दुर्गम का उल्टा क्या होगा, सुगम, दुर्गम मतलब कठिन और सुगम मतलब आसान। अनुकूल का उल्टा पूछा गया है, 31 में अनुकूल का उल्टा क्या होगा, अनुकूल। चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, चलिए बहुत जबरदस्त, अनुकूल का उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल, ए वाले भैया बिल्कुल सही जवाब, आरोही का उल्टा पूछा गया है। चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, आरोही का उल्टा क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इसका उल्टा क्या होगा, अवरोही, बटरोही, निर्मोही या चढ़ाव, 32 में धमाल मचाइए, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे, क्या बात है, राइट आंसर आ चुका है आरोही का अवरोही, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, विराग का उल्टा क्या होता है, विराग का उल्टा, 33 में धुआं धुआं कीजिए, विराग का उल्टा, मोह, अनुराग, सुराग या राग, 33 नंबर क्वेश्चन, विराग का उल्टा क्या होगा। चलिए कमाल का आंसर आ चुका है, विराग का उल्टा अनुराग होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए, आंखों का तारा होना, 34 में धुआंधार आंसर कीजिए, आंखों का तारा होना, जबरदस्त ऑप्शन नंबर सी, प्रिय होना, क्या बात है बच्चे आज एकदम जोश में है। ऊंट का मुंह में जीरा, ऊंट का मुंह में जीरा का मुहावरा का अर्थ बताइए, लंबा होना, कम हो देना, अधिक खाने वाले को कम पूरा, तो ऊंट के मुंह के जीरा का मतलब होता है बहुत कम देना, है ना, नाक के बराबर देना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कान काटना मुहावरे का अर्थ, कान काटना, 36, कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना, तो कोई अगर कान काट लिया बोलता ना कान काट लेगा तुम्हारा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, चतुर होना ऑप्शन नंबर बी के साथ गए,
चालाक होना, क्या बात है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। 37 नंबर में घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, दुखी होना या भयभीत होना। 37 नंबर क्वेश्चन में एकदम बम फोड़ दो आए, क्या बात है, जबरदस्त। प्रसन्नता व्यक्त करना बी के साथ क्या है, कमाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल, नगर का विशेषण क्या होगा? 38 में पूछा है भैया कि नगर का विशेषण, अब रगड़ के आंसर कीजिएगा। नगर का विशेषण नगरीय, नागरिक, नगरवासी या नागर। 38 में धमाल मचा दो। चलिए बहुत अच्छे, नगर से बनेगा नागरिक, बी वाले भैया एकदम कमाल कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग का विशेषण पूछा गया है, रंगयुक्त, रंगबाज, रंगीन या बेरंग। 39 नंबर क्वेश्चन में तहलका मचाइए, रंग का विशेषण क्या होता है? चलिए एक एक बच्चे बिल्कुल राइट आंसर करते हुए, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, रंगीन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पत्थर का विशेषण क्या होगा? पत्थर का विशेषण क्या होगा? पत्थर का विशेषण पूछा गया है 40 में, पत्थरबाज, पथरीला, पत्थर दिल या पहाड़ी। चलिए फटाफट आंसर लगाइए, क्या बात है, पत्थर दिल के साथ गए, जबरदस्त। पत्थर दिल नहीं बच्चा, पत्थर दिल नहीं, पथरीला होगा, है ना। देखो ना, जोश जोश में सब पत्थर दिल कर दिया, किसका दिल टूट गया जो पत्थर दिल लगा दिया। बी के साथ गए, पथरीला, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, भारत कौन सा विशेषण है? भारत की बात कर ले तो कौन सा विशेषण है? इसमें धमाल मचाओ, भारतीय, भारतीया, भारतीया, भारत, 41। चलिए एक एक बच्चे का सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, जीव जंतु कौन समास है? जीव जंतु 42 में रगड़ क्या से करेंगे, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व। 42 में धमाल मचा दीजिए, जीव जंतु कौन सा समास है? जीव जंतु, बहुत अच्छे, डैश लगा हुआ है, द्वंद समास के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं ना, कमाल करती हैं। अगला सवाल, नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर उसको बोलते हैं नीलांबर, और पूछा गया नीलांबर कौन समास होता है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु। 43 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे, नीलांबर कौन सा समास है? चलिए बिल्कुल कर्मधारय, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। चलिए अगला सवाल, भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट शब्द, अब इसमें एकदम दिवाली वाला बम फोड़ दीजिए, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु। 44, बहुत अच्छे, सही जवाब है अव्ययी भाव समास, बी वाले एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल, चिरीमार शब्द कौन समास है? चिरीमार शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या द्विगु। 45 में रगड़ के आंसर करेंगे, चिरीमार शब्द कौन समास है? चलिए एक एक बच्चा बिल्कुल राइट आंसर है, तत्पुरुष समास से, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, सभा, सभा का लिंग पूछा गया है, सभा कौन सा लिंग है? सभा कौन सा लिंग है? पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? सभा, सभा चल रही है, बी के साथ जा रहे बच्चे, स्त्रीलिंग, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या बात है, एकदम तहलका मचा दिए। जल, जल शब्द कौन लिंग है? अब इसमें एकदम धोती फाड़ रुमाल बनाओ, जल का लिंग बताइए, जल शब्द कौन लिंग होता है? पुलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? 47, जबरदस्त, जल की बात कर ले तो जल जो है वो स्त्रीलिंग में काउंट होता है, बी वाले भैया एकदम धमाल आंसर किए हैं। अगला सवाल, दल कौन सा लिंग है? दल का लिंग बताइए। 48 में दल शब्द का लिंग क्या है? पुलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दल। चलिए कमाल का आंसर है, दल भी स्त्रीलिंग है, बी के साथ गए हैं एकदम धुआंधार आंसर किए हैं। चलिए अगला सवाल, रुमाल कौन सा लिंग है? रुमाल की बात कर ले 49 में, रुमाल, स्त्रीलिंग, पुलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? 49 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर करेंगे, रुमाल का लिंग बताना है 49। चलिए बहुत अच्छे, रुमाल पुलिंग होता है ना, बी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब, एकदम गर्दा उड़ा दिए। उपबन में उपसर्ग बताना है, उपबन में उपसर्ग क्या होता है? उ, उप या उप, सिंपल सा बात है, उपबन, बिल्कुल राइट आंसर है। 50 में एकदम देखिए स्पीड बढ़ गया बच्चा का, बी के साथ गए उप, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, ईमान में उपसर्ग पूछा है 51 में, 51 में ईमान में उपसर्ग क्या होगा?
चलिए जबरदस्त, ई जोरमान ए के साथ गए हैं, एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, सुकर्म में उपसर्ग क्या होता है? 52 सुकर्म में उपसर्ग पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे। लाजवाब आंसर, सु जोरकर्म ए के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल, प्रकाशित में प्रत्यय पूछा है, इस बार प्रत्यय पूछा है, जो जो उसमें घबरा मत देना, प्रत्यय पूछा है इस बार। 53 का सही जवाब क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी या डी? 53। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है 53 का, प्रकाश और इत, ए वाले भैया एकदम कमाल किए। अगला सवाल, पठनीय शब्द में प्रत्यय, पठनीय में प्रत्यय बताइएगा, या अनिय ठनिय या निये। 54 में आंसर लगाइएगा, पठनीय में प्रत्यय क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, अनिय के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम कमाल आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंकिल में प्रत्यय क्या होता है? 55 पंकिल में प्रत्यय किल, लव, किल या इल। 55 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए सही जवाब होगा पंक जोर इल डी के साथ जितने बच्चे गए हैं, ताबड़तोड़ आंसर। अगला सवाल, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? अब धुआंधार आंसर कीजिएगा, काल के कितने भेद? 5, 2, 3 या 4? एकदम स्पीड में आंसर करो, छोटना नहीं है। काल के कितने भेद होते हैं? चलिए काल की बात कर ले तो सभी को पता है काल में 3 भेद होते हैं। सी के साथ गए बच्चे ताबड़तोड़। चलिए अगला सवाल, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3 या 6? 57 में तूफानी आंसर कीजिएगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बहुत अच्छे, अर्थ के आधार पर संज्ञा केवल और केवल 5 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है? जो हमेशा रहे उसे क्या कहते हैं? शाश्वत, सनदा, समसायिक या पार्थिव? 58 एकदम धुआंधार आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। अगला सवाल देखो, जो सबको जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, जो सबको जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, सुदर्शन या सुग्रीव। चलिए 59 बहुत अच्छे बच्चे एकदम स्पीड में आंसर कर रहे हैं, सर्वज्ञ। चलिए अगला सवाल, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं? शैव, आस्तिक, नास्तिक या धर्मान्वयी? 60 में धमाल मचाइए। चलिए बहुत अच्छे, आस्ती करते हैं, एक एक बच्चा एकदम कमाल कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए पूछा है, बालकिस भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विद्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध? 61 में कमाल का आंसर लगाना है बालकृष्ण, बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जेपी साहब को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, राजेंद्र प्रसाद शिखर या भारत रत्न? 62 चलिए जबरदस्त आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, है ना, भारत रत्न, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ क्या है, मरणोपरांत मिला था मरने के बाद, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दिनकर को किस गद्य पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रंधारी से दिनकर को कौन सी गद्य पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, बट पीटल या अधना ईश्वर? 63 क्या बात है, सभी का आंसर सही है, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? रोज, हस्ते हुए मेरा किलापन, अर्धनारीश्वर या त्रिच? जबरदस्त आंसर आ चुका है रोज के साथ जितने बच्चे गए हैं, एकदम जबरदस्त आंसर है आपका। अगला सवाल देखिएगा, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, जो बच्चे अभी लाइव में जुड़ रहे हैं आपको बता दे, आज रात का विशेष ऑफर चल रहा है, क्योंकि आज है छोटी दिवाली, तो आज रात का विशेष ऑफर है, ऑल सब्जेक्ट का असाइनमेंट है ना, पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कल तक आपको 1300 रुपए मिल रहा था और आने वाले दिनों में 1300 में ही मिलेगा, आज की रात केवल और केवल 1000 रुपीज में दिया जा रहा है छोटी दिवाली के शुभ अवसर पे। लेने के लिए आपको धड़ाधड़ तरीके से
9504510500 पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, और तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। इससे बाहर एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, यानी इतना पढ़ लीजिए तो 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस जबरदस्त ये ऑफर चल रहा है 1300 वाला, केवल और केवल आज रात के लिए। तो जो बच्चे पेमेंट कर रहे हैं क्लास के बाद आपको दिया जाएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए 65 बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं सिपाही की मां। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखिएगा 66। परंपराशील नाट्य किसने लिखा, परंपराशील नाट्य किसने लिखा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 66 में धमाल मचाइए। बहुत अच्छे, सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर, क्या बात है। चलिए अगला सवाल, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। 67 में गर्दा उड़ा दीजिए। मोहन राकेश का जन्म 1927, 1926, 1950 या 1901, क्या होगा सही आंसर। बहुत अच्छे 1925, बिल्कुल कमाल, कहां से क्या स्पीड में आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, राम विलास शर्मा या जय कृष्णमूर्ति। दूसरी परंपरा की खोज, अब इसका आंसर लगाइएगा बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, दूसरी परंपरा की खोज। 68 में एकदम धमाल मचाएंगे, दूसरी परंपरा की खोज सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे आंसर लगाते रहिए 68 में। बिल्कुल सही जवाब 68 का ऑप्शन नंबर ए, नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं धुआंधार आंसर सही है। अगला सवाल देखिएगा, जायसी के पिता, अब इसने एकदम बम फोड़, इसे सही करके दिखाइए, जायसी के पिताजी कौन थे, जायसी के पिताजी कौन थे। 69 नंबर क्वेश्चन में, चलिए बहुत अच्छे एकदम गर्दा उड़ा दिए। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल पूछा है आखिरी कलाम के रचयिता, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, जायसी जी या कबीरदास। आखिरी कलाम के रचयिता पूछा गया बच्चे, अब धुआंधार तरीके से एकदम तहलका मचाइए, आखिरी कलाम के रचयिता कार कौन है, आखिरी कलाम। चलिए बहुत अच्छे एकदम कमाल का आंसर कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है आखिरी कलाम 70। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चे बिल्कुल राइट आंसर करते हुए, जायसी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। 71 में पूछा गया है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, रामानंद दास, रामानुचार्य, महाप्रभु बल्लवाचार्य या डी। 71 सूरदास के दीक्षा गुरु, चलिए बहुत अच्छे 71 का राइट आंसर है, बल्लवाचार्य के साथ गए बच्चे, कमाल का आंसर। अगला सवाल, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, पत्नी के, बी, सी या डी। चलिए बहुत अच्छे, पत्नी की फटकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे 73, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाय किस कवि ने कहा, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाय किस कवि ने कहा, सूरदास, मीराबाई, नावादास या जायसी। 73 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर कीजिएगा, 73 का सही जवाब क्या होगा। चलिए राइट आंसर 73 में रगड़ के आंसर करेंगे, बहुत अच्छे सही जवाब है नाभादास, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, भूषण की भाषा कौन सी थी, भूषण की भाषा 74, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली या मगधी। यहां से लगाएंगे फटाफट, बहुत जबरदस्त जितने बच्चे एक के साथ गए एकदम दिवाली वाला बम फोड़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार। 75 में पूछा गया है किसके नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। अब धुआंधार से करेंगे, इसके नाटककार कौन है। 75 ध्यान से आंसर कीजिएगा बच्चे एकदम कमाल के तरीके से। चलिए बिल्कुल राइट आंसर का है 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे,
किसकी रचना है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पे छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पे छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, मेरे पास ना आया। इसका आंसर लगाओ तुम, कौन होगा इसका आंसर? मीराबाई महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या सहजो भाई, बताओ जरा। चलिए फटाफट 76, क्या बात है, राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग से लिया गया है ना, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या बात है, धमाल कर दिए सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। गजान माधव मुक्ति बोध की रचनाकार कौन है? गजान माधव मुक्ति बोध के रचनाकार पूछा गया है। हार जीत, जनजन का चेहरा ये, गांव का घर, या अधिनायक। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। 77 नंबर आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बात है, राइट आंसर आ चुका है 77 में, बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे जा रहे हैं बी के साथ, जनजन का चेहरा एक, बहुत अच्छी, बी वाले भैया बिल्कुल कमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द कौन संज्ञा है? 78, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, या समूहवाचक। सिंपल सा आंसर है इसका, सही जवाब क्या होगा, जिसे ना पिया तो सकते हैं, वो द्रव्यवाचक होता है, बहुत जबरदस्त। अगला सवाल, मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? मित्रता, 79, चार ऑप्शन दिया गया है, 79 में आंसर लगाएंगे। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? चलिए 79 बिल्कुल सही जवाब है, भाववाचक, बी के साथ गए और तहलका मचा दिए। चलिए अगला सवाल, सभा, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा की बात कर ले, सभा शब्द कौन संज्ञा है? 80 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द कौन संज्ञा है? चलिए बहुत अच्छे, सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है ना, सही जवाब क्या है, ए के साथ गए गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? फरवरी की बात कर ले तो फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? फटाफट से आंसर लगाएंगे। चलिए व्यक्तिवाचक के साथ बच्चे जा रहे हैं, कमाल कर दिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। ऊर्जा का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऊर्जा का पर्यायवाची कौन नहीं है? 82, देखो स्फूर्ति भी ऊर्जा है, ओज भी ऊर्जा है, शक्ति भी ऊर्जा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम धमाल मचा रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, ओट चवाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ओट चवाना, टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना, या लालच करना। 83, गुस्सा दिखाना है ना, गुस्सा आता तो क्या करते, ओट चबाते, ऑप्शन नंबर सी, जबरदस्त। अगला सवाल, खून का घूट पीना, खून का घूट पीना, क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, सी या डी। 84, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, खून का घूट पीना यानी गुस्सा बचा जाना, बी के साथ गए हैं तहलका मचा दिए। चलिए अगला सवाल, टेरी खीर होना, टेरी खीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक एक बच्चे एकदम कमाल का आंसर लगाते हुए, कठिन कार्य बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाले भैया एकदम कमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल, मुठ्ठी में करना मुहावरे का अर्थ बताइए। 86, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भ्रम में रखना, मनमानी करना, बस में रहना, या बस में करना। 86 का राइट आंसर। चलिए जैसे आप लोग शादी के बाद किसी के मुट्ठी में हो जाते हैं, उसे ही बोलते हैं मुट्ठी में करना, हो नहीं जाते हैं लोग कहते हैं, है ना, इस शादी हो जाएगी तो आपके घर के लोग क्या कहेंगे, ये तो मुट्ठी में होगी या इसकी बाइक, इसको मुट्ठी में करके रखी, भले तो मुट्ठी में रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बस में करना, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। हंसी खेल समझना, ए बी सी या डी। 87 का हमारा आंसर कीजिएगा, हंसी खेल समझना।
चलिए बहुत अच्छे, साधारण कान समझना। ऑप्शन नंबर सी, जैसे अभी तक कुछ बच्चे जो है एग्जाम को हंसी खेल समझ रहे हैं, अभी तक सीरियस नहीं हो, अभी तो दिवाली मनाएंगे, छठ मनाएंगे, है ना, उसके बाद दिसंबर में क्रिसमस मनाएंगे, फिर न्यू ईयर मनाएंगे, फिर मकर संक्रांति, दूहा चूड़ा दही खाएंगे, तब कहेंगे एग्जाम है, तब तक साधारण काम ही समझेंगे। और एग्जाम एग्जाम के दिन चेहरा इससे एकदम उदास रहेगा कि बाप रे क्या विपद पड़ गया इसको, आज जिस दिन रिजल्ट आने वाला है दिखवे नहीं करेगा, अभी खूब उछलेगा। और जो बच्चे अभी एकदम घर में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के दिन चेहरा खिला खिला एकदम गुलाब जैसा लाल लाल रहेगा, है ना। और रिजल्ट जिस दिन आने वाला रहेगा उस दिन एकदम शान से बाहर निकलेंगे, और जितना पढ़ने वाला रहता है उस दिन बाहर रहता है, और जो उछल कूद मचाए रहता है उस दिन रूम में बंद रहेगा, है ना, एकदम बंद रखेगा। बाप रे रिजल्ट आया है, क्रॉस लग गया है एक सब्जेक्ट में, थर्ड डिवीजन हो गया है, सेकेंड डिवीजन हो गया है, क्या बोले। इसलिए पढ़िए पढ़िए, एग्जाम कोई साधारण काम नहीं है। चलिए एटीए, लाजवाब शब्द कौन समास है, अब यही भाव तत्पुरुष सी या डी, एटीए। चलिए बहुत अच्छे, एक ही साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, तिरंगा कौन सा समास है, 89। तिरंगा शब्द पूछा गया है, दिग्गु द्वंद तत्पुरुष या कर्मधारय। तो देखो तीन रंगों का तिरंगा, जब तीन आ गया तो क्या होगा, दिग्गु समास। ये वाले भी एकदम कमाल कर दिए, एक एक बच्चा एकदम धमाल मचा रहा है। चलिए अगला सवाल, चतुरानन शब्द कौन समास है, 90। तो चतुरानन की बात कर लें तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम दिवाली वाला बम फोड़ दिए, बहुव्रीही समास, क्या बात है। अगला सवाल में बम फोड़ो, 91। रोग पीड़ित शब्द कौन समास है, एकदम बम फोड़िए फटाफट, तत्पुरुष दिग्गु द्वंद या बहुव्रीही। बिल्कुल राइट आंसर है तत्पुरुष के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 92 में एकदम बम फोड़ के धुआं धुआं करो, आयोस शब्द का विलोम क्या होगा, आयात शब्द का विलोम, 92। चलिए एक एक बच्चा एकदम बम फोड़ते हुए धुआं धुआं कर दिया है, आयात मतलब मंगवाना, निर्यात मतलब भेजना, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नास्तिक शब्द का उल्टा, नास्तिक का उल्टा, अब इसमें बम फोड़ एकदम, 93। तो नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, और आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता है, एक के साथ गया एकदम कमाल कर दिए। चलिए अगला सवाल, उमस शब्द का उल्टा क्या होगा, 94। चलिए बच्चे एकदम देखिए क्या स्पीड में आंसर कर रहे हैं, ठंडक बहुत अच्छे। अगला सवाल, गरीब का उल्टा क्या होगा, 95 पूछा है गरीब का उल्टा। चलिए 95 बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 95 में ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं अमीर, क्या बात है। अगला सवाल, जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, जिसके सिर पे चंद्रमा हो, तो क्या स्पीड में आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, राइट आंसर ए है चंद्रशेखर, बहुत शानदार। अगला सवाल, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो, चलिए बिल्कुल राइट आंसर चक्रपाणि, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं एकदम करदा उड़ाए हैं। चलिए अगला सवाल, गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे गोद लिया जाए उस पुत्र को क्या कहते हैं, गोद मतलब गोद में लेने वाला नहीं, मतलब कि किसी और का जन्मा हुआ बच्चा को खुद को अपना लेना, गोद लेना, वो वाला गोद है, समझ समझना, गोद में लेके कोई खड़ा है। चलिए बहुत अच्छे, 90 दत्तक पुत्र बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है। अगला सवाल, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद, ज्ञानोदय, क्या बात है, एकदम आंसर क्या स्पीड में आ रहा है, ज्ञान जो उदय, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिएगा, 100 पुरुषोत्तम की संधि विच्छेद, तो सही जवाब है 100 का ऑप्शन नंबर पुरुष और उत्तम, बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं। यहाँ पे 70 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री का कराया, जो बच्चे डेढ़ से जुड़े हैं कर लीजिएगा, 100 क्वेश्चन मैंने हिंदी का कराया। इस 170 क्वेश्चन में जितने बच्चे कम से कम 100 क्वेश्चन सही कर लिए, कम से कम 100 क्वेश्चन सही कर लिए, वो लोग के लिए जबरदस्त ऑफर, उन लोगों को कमेंट करना कितना स्कोर हुआ है, अगर सही हुआ है रियल में तो कमेंट कीजिएगा। ये जो असाइनमेंट 1300 में था, जिनका 100 क्वेश्चन सही हो चुका है उनको आज रात केवल और केवल 800 रुपये में मिल जाएगा। तो ये जबरदस्त मौका है, ध्यान देंगे सिर्फ आज रात ही, कल नहीं, कल करोगे तो कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि कल जो है बहुत लोग झूठ बोलने वाले रहेंगे जो लाइव क्लास करते ही नहीं है,
तो यह सिर्फ लाइव क्लास वालों के लिए शानदार ऑफर है। तो आज रात ही जो इसका फायदा उठा लें वो रियल होंगे और आज रात ही 800 में दिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए टेंशन नहीं लेना है, उन लोगों के लिए भी आज रात अगर आप क्लास किए हैं तो दिवाली ऑफर आप लोग के लिए भी, आपको ही मायूस नहीं करेंगे, आप सभी को, सभी बच्चा को 1000 रुपये में आज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिए। एग्जाम में इधर उधर का कुछ लोग गैस पेपर खरीद लेता है, पता नहीं क्या क्या खरीद लेता है, दुनिया भर का सामान सामान खरीद लेता है, एटम बम, ये बम, वो बम, है ना, ये क्या सत्याग्रह, संग्रह, पंग्रह, क्या क्या कर लेता है, कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे कोई बैच ज्वाइन कर रहा, बताओ आप लाइव बैच ज्वाइन किया अब क्या कीजिएगा, बैच ज्वाइन करने से स्कोर आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। बैच कर ज्वाइन करके क्या करोगे, फिर से वो पढ़ाएगा, 2-3 दिन बहुत मजा आएगा और फिर लगेगा अरे बाप रे पैसा फंस गया, ये तो फिर से पढ़ा रहा है, कोचिंग में तो पढ़ भी किए थे, अब इसमें हम क्या पढ़े, डायलॉग बाजी करके आपको बैच ज्वाइन करवा दिया, लेकिन अब क्या होगा। फिर बोलोगे फिर वो तो यूट्यूब पे चल ही रहा था, यूट्यूब में, तो फिर हम क्यों बैच ज्वाइन कर लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जान लीजिए, जो जीनियस स्टूडेंट है वो जिस चीज को समझ रहे हैं वो घर में याद करेंगे और ये असाइनमेंट जो है वो आपको तहलका मचा देगा एग्जाम में, इसका फायदा जरूर से जरूर उठाइए, ठीक है। दिवाली के लिए ये ऑफर है तो सभी को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं कल से। देखिए कल तो आपका बड़ी दिवाली है तो कल क्लास रहेगा या नहीं रहेगा, जैसा भी होगा मैं ग्रुप में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ग्रुप का, जुड़ जाइएगा, जैसा होगा मैं ग्रुप में बता दूंगा। और परसों से दिवाली के बाद क्लास कंटिन्यू अपने टाइम टेबल के अनुसार, जो ग्रुप का टाइम टेबल है, ठीक है, इस चैनल का, शाम के 6:30 बजे से फिर दूसरी क्लास 7:45 में और तीसरी क्लास 8:55 में, तो वह सारी क्लास दिवाली के कल परसों से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली एडवांस में, आप सभी को एकदम हैप्पी दिवाली, बच्चे एकदम दिवाली अच्छे से मनाएं लेकिन सुरक्षित मनाएं, हाथ उत मत जला लेना, ठीक है, एकदम जो वैसा आप पटाखे में जला रहे हो ये करियर बनाने में लगा दो, 1000 का पटाखा फोड़ देते हो, करियर बना लो, ये भविष्य मर जाएगा आपका, ठीक है गाइज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली।